कचिया क्राउन स्पोर्ट्स क्लब एक ऐसा समाजी सकाफती और स्पोर्ट्स का अदारा है जो बेलगछिया के कामों में से जुड़ा रहता है। हर चार साल के बाद यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट का अहतमाम किया जाता है और इसे एक तरह से वर्ल्ड कप कहा जाता है, क्योंकि हर चार वर्ष के बाद इस तरह के स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। इस अदारे की जानिब से आज बेलगछिया में ज़रूरतमंदों के दरमियान इफ्तार किट्स बांटे गए और इसके एक ख़ास पहलू ये रही कि इस अदारे की जानिब से इलाके के मशहूर डॉक्टर प्रसून कुमार घोष को इस्तकबालिया दिया गया, उन्हें इनामात से नवाजा गया, क्योंकि डॉक्टर प्रसून के बेलगछिया के लिए काफ़ी खिदमात हैं। उन्होंने कोविड में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों का इलाज किया, उनकी खिदमत की और कोरोना का कोई भी परवाह नहीं किया, और जिसकी वजह से आज भी बेलगछिया के लिए लोग उन्हें नहीं भूल पाते हैं। जब भी किसी तरह का भी प्रोग्राम होता है उसमें डॉक्टर प्रसून घोष ज़रूर हाजिर रहते हैं, उन्हें लोग सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, उन्हें उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं। इसी सिलसिले में आज बेलगछिया में एक शानदार प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जहाँ 150 से ज़ायद लोगों के दरमियान इफ्तार किट्स बांटे गए, जिसमें 9 तरह के आइटम थे, ताकि लोग रमज़ान के दिनों में बेहतरीन तरीके से इफ्तार कर सकें। तो इस सिलसिले में एक प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया था, जहां बेलगछिया के नामवर हस्तियों ने अपने ख्याल के इजहार किया, अपनी बातें रखी और ज़रूरतमंदों के दरमियान इफ्तार किट बांटे। तो इस सिलसिले में हमारी बातचीत लोगों से हुई है, आइए सुनते हैं उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। इस मौका पर हमारी बातचीत डॉक्टर प्रसून कुमार घोष से हुई है, उनकी बातें सुनेंगे। उन्होंने क्राउन स्पोर्ट्स क्लब बेलगछिया के बारे में क्या कहा और इस अदारे के रूह रवा यानी प्रेसिडेंट शमशाद खान के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि बेलगछिया एक ऐसी जगह है, ऐसा मकाम है जहाँ लोग फूल की तरह है और एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। बेलगछिया आज पूरे मुल्क को रास्ता दिखा रहा है और बेलगछिया एक ऐसी जगह है जहां ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रसून घोष का इस बारे में क्या कहें। पहला तो आपको अवार्ड मिला बेलगछिया क्राउन स्पोर्ट्स क्लब, और ये रमज़ान से पहले लोगों में ज़रूरतमंदों में किट्स बांटा गया, कैसा फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है, दोनों खुशी का मामला? देखिए, पहले बताऊंगा कि ये बेलगछिया क्राउन स्पोर्टिंग क्लब जो किया है, ये सिर्फ किट नहीं दिया, ये रमजान आ रहा है, ये जो इतने सारे आज मंच में थे, जो बेलगछिया का जान है, सर से लेके रईसदा से लेके दादा से लेके अशरफदा से लेके राजेशदा, जितने सारे यहाँ पे है, ये शमशाद सारे सबको एक साथ करके ना एक फूल नहीं गुलदस्ता बना लिया है। और मास्टर जी, मौलाना साहब, मौलवी साहब जितने हैं, मैं बताऊंगा ये चीज आने वाले दिन बेलगछिया को एकदम सोचेगा, बेलगछिया वाले के जरूरतमंद के बगल में खड़ा होना अगर कोई सिखाता है तो बेलगछिया सिखाता है, आगे जाने का जो रास्ता दिखाता है बेलगछिया दिखाता है। और हम इस सबसे तो उम्र में छोटे हैं, किसी का छोटे भाई जैसा है या किसी का बच्चा जैसा है। मैं तो सर झुका के बोलूंगा, दादा आप लोग ठीक रहिए तो आने वाले दिन बेलगछिया में बैठ के बेल्जियम में काम करेगा, और वो बेलगछिया हम लोग देखेंगे और ये लोग दिखा के छोड़ेगा। आप लोग अच्छा रहिए, बेलगछिया का सारे जितने हैं मेरा प्रणाम लीजिएगा। बेलगछिया के मशहूर सामाजिक कारकुन शौकत साहब इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्राउन स्पोर्ट्स बारे में कहा कि ये प्रोग्राम क्राउन स्पोर्ट्स की जानिब से किया गया है, ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए ये जगह कम है, और हर साल क्राउन स्पोर्ट्स हमेशा ज़रूरतमंदों का ख्याल रखता है, उनके दरमियान इफ्तार किट और दूसरे भी सामान बांटते हैं। और इस मौका पर एक सबसे बड़ा अदारा ने यह काम किया कि डॉक्टर प्रसून घोष को इंसानियत की खिदमत अंजाम देने के लिए उनकी इज्जत अफजाई की, उनका इस्तकबालिया दिया। तो मैं अदारा और डॉक्टर प्रसून घोष दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए सुनते हैं शौकत साहब इस बारे में क्या कहा। रमजान की बाटा किया, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही, आज क्या देश को इसकी जरूरत है? एक्चुअल जो सबसे पहले हमने महसूस किया वाकई कि मैंने ये जो प्रोग्राम क्राउन स्पोर्ट्स क्लब ने किया है, ये प्रोग्राम इंडोर स्कूल में हुआ, इसको नेताजी इंडोर स्टेडियम में होना चाहिए था, क्योंकि एकदम बिल प्रैक्टिकल आदमी को होना चाहिए। अभी आज जो जिसकी जरूरत है वो काम इन्होंने किया है। चैरिटी बिगिन एट होम जो अपने
गरीब लोग हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं बस्ती के, जिनको जानते हैं पहचानते हैं करीब से देखते हैं, उनके हाथों में इन्होंने अफ्तार किट्स दिया, शराबी और तो जगह पे शहरी किट्स दिया जो ये जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया, और साथ ही साथ वो शख्स जिसने वाकई मैंने डॉक्टर के नहीं रहे इंसानियत की खिदमत अंजाम दी है, जिस वक्त कोविड से लोग मर रहे थे खटमल की तरह, मच्छर की तरह मर रहे थे, उस जमाने में वो आकर अपने हौसले से, अपनी बातों से, अपने इलाज से जो बस्ती वालों की खिदमत की है, डॉक्टर भोसुन घोष, उसको कभी किसी हाल में भी बस्ती ये दिलगिछिया वाले नहीं भुला सकते हैं। उनकी खिदमत की वजह से बहुत सारे लोग जो एक हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं उनको हिम्मत मिली, उनके इलाज से अच्छे हुए, और बिलगछिया में उस कंट्रोल पाया अगर कोविड पे, तो वो डॉक्टर प्रसून घोष की मेहनत का नतीजा है। उनको आज उनकी खिदमत को पहचाना है, और ये कोरोना स्पोर्ट्स क्लब ने वाकई एक मैसेज दिया है, कहा है कि हम लोगों की तरफ से सही बातें निभाना चाहिए, ये डॉक्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्होंने जो काम किया एक डॉक्टर का इंसानियत के मने पगड़ी पहनकर उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है, जिसका एहसान बस्ती वाले कभी भुला नहीं सकते। इस मौका पर और भी दीगर हजरात थे, उन्होंने कहा कि परसून साहब की खिदमत का एतराफ़ किया, और उन्होंने कहा कि एक बड़ा क्राउन स्पोर्ट्स ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उनका इस्तकबालिया दिया, उससे भी बड़ा काम उन लोगों ने ये अंजाम दिया कि यहाँ के ज़रूरतमंदों के दरमियान इफ्तार किट्स बांटे। तो आइए उनकी भी बातें सुनते हैं। क्राउन स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट शमशाद साहब और उनके मेम्बरान ने रमजान से कबल अफ्तार किट्स का जो तकसीम किया है, वाकई में ये एक काबिल सताइश बात है, और इसमें मुस्तहक लोगों के दरमियान में किट्स तकसीम किया। उसी के साथ साथ डॉक्टर परसून साहब को इस्तकबालिया दिया गया है, उनके खिदमात बहुत हैं। परसून साहब के 2020 में कोविड में उन्होंने बिलगछिया बस्ती के लिए जो खिदमत अंजाम दिया है उसी भी कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। वो बिलगछिया वालों के लिए हमेशा हम वतन खड़े रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर परसून कुमार घोष को इसका अजर दे, और वो हमेशा इसी तरह अपने खिदमात को अंजाम देते रहे। इस मौका पर इस अदारे के रूह रवां यानी प्रेसिडेंट शमशाद खान साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रमज़ान से कबल हम लोग हर साल रमज़ान किट ज़रूरतमंद में बांटते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के दरमियान भी रमज़ान किट को पहुंचाया जाता है जो इस तरह की महफिल में आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत रहती है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने दिया है, और 150 से ज़्यादा लोगों को इस मौका पर इस रमज़ान किट बांटा गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि डॉक्टर परसून कुमार घोष को इस्तकबालिया दिया, क्योंकि उन्होंने कोविड के ज़माने में अपनी जान पर खेल के एक तरह से यहाँ बिलगछिया वाले की खिदमत अंजाम दी। तो आइए उनकी भी बातें सुनते हैं कि शमशाद खान के इस बारे में क्या कहना है। मैं शमशाद खान, बिलगछिया क्राउन स्पोर्ट्स क्लब का प्रेसिडेंट। रमजान आने से हम लोग हफ्ता दिन चार दिन आगे जरूरतमंदों में इफ्तार किट्स का तकसीम करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से हम लोगों ने एक प्रोग्राम को और जोड़ा, डॉक्टर परसून कुमार घोष साहब को इस्तकबालिया दिया। ये इस्तकबालिया आज से 2 साल आगे हो जाना चाहिए था, लेकिन अफरा तफरी का आलम था, पर जिसका नसीब में जब जो लिखा रहता है वही होता है। इस दफा गरीबों जरूरतमंदों के बीच में जो हम लोगों ने इस्तकबालिया इन्हें दिया, वाकई में ये दिली हम लोग का खुशी है, और हम लोग अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि हमारे बिलगछिया बस्ती में 3 नंबर वार्ड में डॉक्टर परसून कुमार घोष जैसे शख्सियत मौजूद है। मैं तहे दिल से क्लब के तमाम इराकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा सोच रखा और डॉक्टर परसून कुमार घोष साहब की खिदमत में इस्तकबालिया पेश किया। इस मौका पर हमारे साथ इस मौका पर नेम साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नेम साहब का कहना है कि क्राउन स्पोर्ट्स क्लब हर साल इसी तरह से रमज़ान के मौका पर ज़रूरतमंदों में रमज़ान किट्स की तकसीम करता है, ये एक बड़ा काम है जो अदारा के जानिब से अंजाम दिया जाता है। और आज एक ख़ास बात ये रही कि उन लोगों ने यानी अदारा के जानिब से डॉक्टर परसून कुमार घोष को उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें इस्तकबालिया दिया, ये भी एक बड़ी बात है। तो आइए नेम साहब की भी बातें हम सुन लेते हैं। क्राउन स्पोर्ट्स क्लब रमज़ान के आते ही रोज़ेदारों का ख्याल रखा, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब जो बहुत कुर्बानी दिए हैं बिलगछिया के लिए और बुरे वक्त में काम आए हैं, उनको इन लोगों ने याद रखा, ये बहुत खुशी की बात है। मैं क्राउन स्पोर्ट्स क्लब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलगछिया क्राउन स्पोर्ट्स क्लब ने जो काम किया आज, बहुत बड़ा काम है। ये रमज़ान से जोड़कर और डॉक्टर परसून कुमार घोष को इस्तकबालिया दिया, ये एक बहुत सेकुलर काम है जो क्राउन स्पोर्ट्स क्लब ने किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज है कि एक
गैर मुस्लिम भाई को रमजान के मौके से एक इस्तकबालिया देना और अपने मुस्लिम भाइयों को रमजान के किट्स को देकर एक हमदर्दी का सबूत दिया, इस तरह का काम हर अदारा को करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करना चाहिए। ये मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्राउन स्पोर्ट्स क्लब का, इतना बड़ा काम करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है।